नमस्कार, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान को चंदन कौन सी चढ़ानी चाहिए, किस भगवान को कौन सा चंदन चढ़ाने से हमें फल आसानी से जल्दी पूरा प्राप्त। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं भगवान राम से, भगवान कृष्ण से। जब हमें भगवान राम या भगवान कृष्ण को, मैं आज एक ऐसे चंदन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि यदि भगवान विष्णु या कृष्ण या राम के पैरों पे या उनके ललाट पे आपने अगर इस चंदन से को लगा दिया या चंदन को आपने चढ़ा दिया उनके चरणों में, तो आपके जीते जी एक बार भगवान जरूर गले लगाने के लिए आपको आएंगे। ये चंदन बाजार में नहीं मिलता। मैं आपको फिर से बताता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीतो जी आपके जिंदगी जीवित रहते हुए काल में भगवान राम कृष्ण या विष्णु आपको आकर के आलिंगन करें, गले एक बार अवश्य लगाएं, तो आपको उनके ऊपर हरिचंदन अर्पित करना चाहिए। हरिचंदन बाजार में नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, और बाजार में अगर कोई कहता है कि यह हरिचंदन है तो वह नहीं खरीदना है। हमेशा हमारे घरों में या कहीं गमलों में या किसी बाग बगीचे में तुलसी का पेड़ जब सूख जाता है तो उसको हमें उखाड़ना है, उसके जड़ को काटना है, उसे पानी से धो लीजिए, उसके बाद सिलबट्टे पे या किसी पत्थर पे पीस लीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली मिला दीजिए, थोड़ी सी कुमकुम मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। अब ये जो चंदन तैयार हुआ ना, इसको हरी चंदन कहते हैं। इस हरी चंदन को जब आप भगवान राम पे चढ़ाएंगे, उनके भगवान कृष्ण के चरणों पे अर्पित करेंगे, भगवान विष्णु को जब आप लगाएंगे, तो आपके जीते जी एक बार भगवान राम गले लगाने के अवश्य। अब सवाल उठता है, हम तो शिव के भक्त हैं, हम भगवान शिव के यहाँ रोज आरती डालने जाते हैं, इन्हें हम कौन सा चंदन चढ़ाएं? तो इसका भी एक मैं आपको अजीबोगरीब रहस्य बता देता हूँ। यदि आपको लगे कि सारे काम रुक गए हों, घर में लक्ष्मी का नाश हो गया हो, बर्बाद हो गए हों, सारा रास्ता बंद हो गया हो और मन करता हो कि अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो इसका एक उपाय है। महाशिव पुराण में लिखा हुआ है, इसको रुद्र चंदन कहते हैं। रुद्र चंदन भी घर में ही बनाना है, वो बाजार में बना हुआ नहीं मिलता है। तो आप एक नॉर्मल पीला चंदन लें, उसे घसें, एक तीन मुखी रुद्राक्ष लें, और इस चंदन को जो आपने घसा है वो रुद्राक्ष के ऊपर लपेटे, काफी मोटी लपेटे, पूरी गोल बड़ी सी बॉल बना लें, पूरा गोला बना लें, क्योंकि जब वो गोला बन के तैयार हो ना, तो रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, कोई रुखरापन नहीं होनी चाहिए, पूरी चिकनाहट हो जाएगी चारों तरफ में, उसको आप कवर करके ये आप रुद्र चंदन आपने तैयार कर लिया। बाजार में आपको रेडीमेड मिल सकता है, मगर आप ऐसा कतई ना करें। आप तीन मुख्य रुद्राक्ष लें, घर में ही पीले चंदन को पीस के उसके ऊपर ये रुद्र चंदन आप तैयार करें। एक लोटा जल लें, एक हाथ में रुद्र चंदन है, चले शिव के दरबार पे, मनोकामना तो पूरी हो करेगी। अब उसे हम शिवलिंग के ऊपर में रुद्र चंदन जो रुद्राक्ष के ऊपर लपेटा मोटा सा बड़ा सा था, वो हमने स्थापित कर दिया शिवलिंग के ऊपर। अब जो लोटकी में मेरा जल है, वो धीरे धीरे ऊपर में गिराऊंगा उस रुद्र चंदन पे जो हमने रुद्राक्ष पे लपेट के लाया था। अब वो धीरे धीरे चंदन घुलेगा और शिवलिंग पे ऑटोमेटिकली स्वतः ही चढ़ता चला जाएगा। आप जल डालते रहें, चंदन घुलता रहेगा, शिव जी पे चढ़ता रहेगा। आपके मन में अभी जो कुछ भी चल रहा हो, इस क्रिया को करते वक्त आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा हो, जो कुछ भी मनोकामना आपकी हो, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं ये आपका पूरा होगा। तो आज हमने आपको बताया कि ईश्वर पे, भगवान पे चंदन कैसे चढ़ाते हैं, किस भगवान पे कौन सा चंदन चढ़ाते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप और कोई जानकारी जानना चाहते हो तो कृपया कर नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा कीजिए। ओम नमः शिवाय।